अरे वो बड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, ये जो सैलरी जो पेनल्टी है ना, ये आप इसको बोल सकते हैं कि ये सरकार पेनल्टी से भी कुछ कमाने की सोच रही है। मुझे लगता है कि सरकार ने सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाया है और सबको किसी को तो बना नहीं सकती। अब एक रूल मैं बता रहा हूँ सुनिए, अगर आपने कंप्लायंस पूरा नहीं किया एक साल दो साल तक तो आपके ऊपर 10 लाख तक की पेनल्टी हो जाती है। नमस्कार, amarujala.com पर आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूँ आदर्श झा। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया, आम आदमी को क्या मिला तब से ये चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। पॉलिटिकल पार्टियां अपनी बयानबाजी कर रही हैं, सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है, विपक्ष बजट पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि निराशा करने वाला बजट है, वो सारी कहानी एक तरफ है क्योंकि वो राजनीति का हिस्सा है। लेकिन बजट के भाषण के अंदर आम आदमी के लिए क्या था वो जानने समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, और खास करके क्या कई चीजों में तब्दीली करके आम आदमी पर टैक्स का बोझ बढ़ा है, जहां पर टैक्स कम होता दिखा क्या उसका भी बोझ आम आदमी पर बढ़ा है, क्या आम आदमी की जेब में फिर से सेंध लगाई गई है, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आम आदमी में सबसे ज्यादा खास करके इंपॉर्टेंट सैलरीड क्लास, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकम टैक्स वही क्लास देता है, इसीलिए हम उसको समझने और जानने की कोशिश करेंगे। और क्या पूरी कहानी है, क्या आम आदमी की जेब कटी है, कहीं से उसको राहत मिली है, ये जानने और समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त सीए और टैक्स एक्सपर्ट लक्ष्मण झा जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है लक्ष्मण जी आपका amarujala.com पर। कई सारे टैक्सेस को लेकर बात हुई, किस तरीके से देख रहे हैं सैलरीड क्लास के लिहाज से, कुछ राहत कहीं मिलती दिख रही है या अभी तो हम उसको थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे अलग अलग चीजों को लेकर जो वित्त मंत्री ने घोषणा की, लेकिन फिलहाल पूरे तौर पर देखें तो कुछ राहत मिलती दिख रही है क्या इसमें या जेब कटी है? देखिए, जो छोटे टैक्स पेयर हैं जिसका सैलरी कम है 10 लाख 15 लाख तक, उसके लिए तो कुछ बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि वो न्यू स्कीम में जाएंगे, न्यू रिजीम में जाएंगे तो उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो बड़े टैक्स पेयर हैं या थोड़ा सा ज्यादा सैलरी है या जो सैलरी के अलावा कुछ शेयर मार्केट से इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सबके पॉकेट से कुछ निकलेगा ही, कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो है ना जो न्यू स्कीम में कुछ बेनिफिट मिला है उसके अगेंस्ट में बहुत सारी चीज ले भी लिया गया है। तो ऑल ओवर देखिए, जिसका सैलरी कम है 10 लाख 15 लाख तक, उस सबको तो न्यू स्कीम में जाके फायदा मिल जाएगा। 15 या 20 लाख तक भी है और कोई इनकम नहीं है उसको 17,500 तक का बेनिफिट मिलेगा न्यू। लेकिन लक्ष्मण जी, इस पे मेरा एक सवाल है कि न्यू बेनिफिट में चलिए हमको थोड़ा फायदा मिल रहा है जाके, लेकिन न्यू बेनिफिट में हमने 17,500 रुपए के करीब टैक्स बचा लिया अगर 10 लाख 12 लाख तक की सैलरी है या 15 लाख तक की सैलरी है। सवाल यह है, ओल्ड सिस्टम जो है टैक्स का, जो ओल्ड सिस्टम हम लोग फॉलो करते रहे हैं, उसमें अगर जाएं तो उसमें कम से कम एक लालच ये होता था व्यक्ति का कि वो निवेश करता था, उस पर उसको टैक्स की छूट मिलती थी। इसके जरिए एक तो वो निवेश भी करता था, दूसरा वो अपना फ्यूचर भी सिक्योर करता था। न्यू टैक्स रिजीम में ये वाला लालच तो खत्म हो गया ना, उसको लग रहा है कि मैंने टैक्स बचा लिया, बात खत्म हो गई। अब अगर टैक्स थोड़ा ज्यादा कुछ कट भी गया तो उसके बाद भी उसको लग रहा है कि अब टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं है, मुझे 10 चीजें इकट्ठा नहीं करनी है, वो डिडक्शंस के लिए अलग अलग चीजों को जोड़कर नहीं देना है, वो कोई समस्या उसकी नहीं है। तो ये जो एक इंस्पिरेशनल फैक्टर था निवेश वाला और अपना फ्यूचर सिक्योर करने वाला, न्यू टैक्स रिजीम में वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो न्यू टैक्स स्कीम है इससे टैक्स बेनिफिट थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे डिमेरिट इसका है कि हम लोग जो टैक्स बचाने के बहाने कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते, फ्यूचर प्लानिंग करते थे, वो सब इसमें समाप्त है। ये एकदम फ्लैट है कि आपका जितना इनकम है टैक्स दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, सरकार को कोई मतलब नहीं है। और जनरली क्या होता है कि यूथ में हम लोग इतना ध्यान देते नहीं है इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए, तो उस सब के लिए अगर आप एक तरफ से फायदा है तो उसमें लॉस है, क्योंकि वो सेविंग का जो कॉन्सेप्ट था इंडिया में कि कुछ हम सेविंग करें, ठीक है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे कि कुछ खाना खाने तो एक मुट्ठी थोड़ा चावल रख दिया जाता है कि फ्यूचर में काम आएगा, उसी तरह होता था कि टैक्स सेविंग के बहाने हम लोग कुछ LIC कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेते थे, कुछ म्यूचुअल फंड में कर लेते थे, कुछ PPF कर लेते थे जो फ्यूचर में काम आता था। लेकिन अब वो सब चूंकि समाप्त हो गई है, टैक्स उसमें कुछ बच नहीं रहा है, तो इन्वेस्टमेंट का पर्पज टैक्स सेविंग के लिए समाप्त हो गया, उसका कोई फायदा नहीं है। और ये थोड़ा सा एक निगेटिव पार्ट है न्यू टैक्स रिजीम में, जो हम लोग सेविंग का जो हैबिट था वो समाप्त हो जाएगा इससे। अच्छा, एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक और मेरे जैसे तमाम लोग वो आपको कई बार फ़ोन करके भी पूछते हैं। एक तो जो फाइनेंशियल ईयर में जो हम न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम में चेंज कर सकते हैं, वो अगर आप एक बार न्यू टैक्स रिजीम में चले जाते हैं तो क्या अगले साल आप फिर उसको बदल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इसको लेकर कंफ्यूज हैं, वापस आप ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। या वो डिफॉल्ट है, लेकिन उसमें क्या है ना कि अगर आप सैलरी पर्सन हैं और आपका कोई और बिजनेस इनकम नहीं है तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। इस साल आप न्यू में जा सकते हैं, नेक्स्ट ईयर आप ओल्ड में जा सकते हैं, लेकिन उसमें जो एक रिस्ट्रिक्शन है कि जब भी आप ओल्ड में जाएंगे आपको ड्यू डेट से पहले फाइल करना पड़ेगा। सपोज दैट अभी ड्यू डेट 31 जुलाई है, अगर आप इसके बाद फाइल करेंगे तो आप ओल्ड में नहीं जा सकते हैं। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी आपने कंपनी में आपने अभी अपना
डॉक्यूमेंट दिया होगा और आपने ओल्ड स्कीम सिलेक्ट कर दिया होगा और आपका जो भी टैक्स कैलकुलेशन है वो ओल्ड स्कीम के तहत हुआ होगा। और सपोज आप 31 जुलाई तक फाइल नहीं कर पाते हैं और आप पेनल्टी के साथ जाना चाहते हैं 31 जुलाई के बाद फाइल करेंगे, तो आप ओल्ड स्कीम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको न्यू में जाना पड़ेगा और आपने जो भी बेनिफिट लिया हुआ है कंपनी से टैक्स बेनिफिट वो सब समाप्त हो जाएगा, आपको एडिशनल चेक देना पड़ेगा। तो ओल्ड स्कीम में जाने के लिए आपको न्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, ठीक है, ये लेकिन आप स्विच कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, लेकिन वो आपको डेट का ध्यान रखना होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है। अच्छा, एक बात इस पूरे बजट में, एक चीज जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, कैपिटल गेन टैक्स, जिसको जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पढ़ा तो उसके बाद से ही बहुत सारे लोग जानने समझने की कोशिश करने लगे कैपिटल गेन टैक्स। मिडिल क्लास आदमी कई बार इस तरह के टर्म्स से उतना फेमिलियर होता नहीं है, हम लोग भी नहीं थे, बाद में धीरे धीरे करके जाना, जब बजट कवर करना शुरू किया तो समझ में आया क्या है। अब कैपिटल गेन टैक्स एक तो है क्या, और दूसरा जो बदलाव उसमें किए गए हैं कि 20% था उसको 12.5% किया गया, इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए, और कैपिटल गेन टैक्स किन किन चीजों पर लगता है पहले जरा ये भी बताइएगा। देखिए मैं डिटेल में बताता हूँ थोड़ा सा कि कैपिटल गेन क्या होता है, कि कोई भी एसेट्स, कोई भी संपत्ति अगर आप बेचते हैं तो उससे जो प्रॉफिट होता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। सपोज आपने एक प्रॉपर्टी, आपका घर है और आपने उसको बेचा 2 साल 3 साल 5 साल बाद, तो उस पर जो प्रॉफिट होगा और उस पर जो टैक्स कैलकुलेशन होगा उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। तो कैपिटल गेन में सब कुछ आती है, प्रॉपर्टी, उसके बाद अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, शेयर में करते हैं, तो उस सबसे सेल करने से जो प्रॉफिट होती है, सेल परचेज करने से उसका जो कैलकुलेशन होता है वो कैपिटल गेन के अंतर्गत होता है। तो ये क्लियर हो गया कि कैपिटल गेन किसे कहते हैं, मतलब इनकम टैक्स में 5 तरह की इनकम डिसाइड, मतलब बताया गया है उसमें, एक होता है इनकम फ्रॉम सेल, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो रेंटल इनकम होता है, ठीक है, तीसरा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो बिजनेस और प्रोफेशन टैक्स वो होते हैं, चौथा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो यही कैपिटल गेन यही है, जब कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या कोई एसेट सेल करते हैं उसे जो प्रॉफिट होता है उसमें जो टैक्स बनता है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है। तो इसमें दो चीजें होती है। तो पहले क्या होता था 2012-13-14 से पहले इसमें दो रेट थे, दो टर्म थे, कि अगर आप शेयर या शेयर से रिलेटेड कोई एसेट बेचते हैं, ठीक है, तो उसमें 12 मंथ का लॉकिंग पीरियड था, मतलब 12 मंथ से अगर पहले बेचते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म बोलता है, 12 मंथ के बाद बेचते हैं तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोलते थे, ठीक है। उसी तरह अगर शेयर से और अदर से रिलेटेड उसके अलावा कोई संपत्ति बेचते थे, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, कोई आपका मशीनरी हो गया, ये सब सेल करते थे, तो उसके लिए था 36 मंथ का पीरियड, अगर आप 36 मंथ से पहले बेचेंगे तो उसको शॉर्ट टर्म में मानते थे, 36 मंथ से बाद में बेचते तो उसको लॉन्ग टर्म मानते थे। लेकिन ये आज 10 साल में थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ गया था, सरकार ने कभी क्या किया कि प्रॉपर्टी को 36 मंथ से 24 मंथ कर दिया, किसी को 36 मंथ ही रखा, तो बहुत सारे कंफ्यूजन इस बीच में आज 10 साल में हुआ। लेकिन इस बार फिर सरकार ने क्या किया है कि उसको फिर सिंप्लीफाइड कर दिया है, अभी भी दो ही जो पीरियड रह गया है, अगर आप शेयर या शेयर से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट है उसको अगर आप सेल करते हैं 12 महीने के पहले आपको शॉर्ट टर्म माना जाएगा, 12 मंथ के बाद करेंगे तो उसको लॉन्ग टर्म माना जाएगा। ये शेयर और प्रॉपर्टी दोनों पे होगा ना ये? नहीं, प्रॉपर्टी पे नहीं, शेयर और शेयर से रिलेटेड जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, बॉन्ड्स हो गया, उसके अलावा जितने चीज हैं प्रॉपर्टी हैं उसके लिए 24 मंथ का है, ठीक है, कि अगर आप 24 मंथ से पहले सेल करेंगे तो शॉर्ट टर्म होगा, उसके बाद सेल करेंगे तो लॉन्ग टर्म होगा, ये दो पीरियड फिक्स कर दिया गया है। अब आते हैं उस पर टैक्स कैलकुलेशन पे। तो पहले क्या होता था कि शॉर्ट टर्म जो होती थी, सिक्योरिटी वाले बात कर रही मैं बात करता हूँ शेयर मार्केट वाले की, पहले क्या होता था कि अगर आप 1 साल से पहले सेल करते थे उसमें जो प्रॉफिट होता था उस पर टैक्स लगता था 15%। सपोज आपने 1 लाख प्रॉफिट कमाया शेयर सेल करके 1 साल के अंदर, आपको पहले 15,000 देना होता था, अब न्यू टैक्स में आपको जो बजट आया है इसके हिसाब से, न्यू रूल के हिसाब से आपको 20,000 देना पड़ेगा, मतलब आपके पॉकेट से 5,000 रुपया चला गया। उसी तरह क्या था कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म जो सेल होती थी, जो 1 साल के बाद बेचते थे, तो पहले रूल था क्या कि वो फ्री होता था, कोई टैक्स नहीं लगती थी, बहुत पहले 2018 से पहले। उसके बाद रूल आया कि नहीं, हम पूरा फ्री तो नहीं करेंगे लेकिन 1 लाख तक फ्री करेंगे, उसके ऊपर 10% टैक्स लगाया गया था। इस बार क्या हुआ, उसको बढ़ा के जो
10% था उसको 12.5% कर दिया गया, और आपका जो 1 लाख तक फ्री होता था उसको 1.25 लाख कर दिया गया। लेकिन इसमें भी जो इन्वेस्टर है उसको लॉस है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो आपका है मोटा मोटी 1.5% का ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हो गया शेयर से रिलेटेड। अब आते हैं हम लोग कैपिटल गेन अदर देन शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स, मतलब प्रॉपर्टी, गोल्ड, इस सब पे आते हैं। उसमें क्या है कि पहले क्या होता था कि आप 2 साल के बाद सेल करते थे। सपोज दैट आपने 2010 में कोई फ्लैट खरीदा या 2001 में खरीदा, ठीक है, 2001 से मानते हैं क्योंकि नया इंडेक्सेशन के रूल जो बनाया गया था सरकार ने बनाई थी वो 2001 लिया था, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी आप 2001 में 1 लाख में खरीदते हैं और 2024 में आप उसको 10 लाख में बेचते हैं, तो पहले क्या होता था कि उसको इंजेक्शन निकालते थे, एक रूल इनकम टैक्स डिसाइड करती थी कि आज का उसका जो है वैल्यू इंजेक्शन रेट क्या है। अभी पिछले साल तक वो 348 रुपये था, ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि हम उसकी वैल्यू 2001 में जो आपने प्रॉपर्टी परचेज किया उसकी आज की वैल्यू निकालते हैं एज पर इनकम टैक्स, उसकी वैल्यू बनती है अप्रोक्सीमेटली 3,48,000 रुपया, ठीक है, 2001 में जो आपने खरीदा उसके लिए। और आपकी जो प्रॉफिट बनती, अगर आप उसको 10 लाख में बेचते हैं तो आपकी प्रॉफिट बनती थी सिर्फ 6,52,000 रुपया, तो उस पर 20% टैक्स देना होता था पहले। अब जो नया रूल है उसमें क्या है, ये वो आपको पूरे अमाउंट पर नहीं, जो 6,52,000 प्रॉफिट बना उस पर देना होता था। हाँ, जो प्रॉफिट बनता था इंजेक्शन के बाद उस पर 20% देना होता था। अब क्या हुआ है कि इंजेक्शन को समाप्त कर दिया गया है। अब क्या है कि आपने 2001 में 1 लाख में खरीदा और आपने 2024 में 10 लाख में बेचा, आपकी प्रॉफिट 9 लाख रुपये मानी जाएगी और आपको जो टैक्स देना है वो 9 लाख पे देना है 12.5%। उसका भी रेट कम कर दिया है, 12.5% देना है, लेकिन आपको उस पे पूरे पे देना है प्रॉफिट के। तो इसका इम्पैक्ट देखिए, इसका इम्पैक्ट छोटे जो सेलर होंगे उस पे नहीं पड़ेगा, 2-4 लाख वाले पे जो है 2-4 10 करोड़ का प्रॉफिट सेल करेगी तो उसमें फायदा मिलेगा छोटे जो सेलर है। लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो बड़े बिजनेस, मतलब बड़े प्रॉपर्टी जो कोई सेल करेंगे, सपोज दैट कोई किसी ने 15 लाख का सेल किया, ठीक है, या 20 करोड़ का, किसी ने 20 करोड़ का अपना प्रॉपर्टी सेल किया, अब उसका इंजेक्शन नहीं होगा। तो होता क्या है कि प्रॉपर्टी वाले में जब हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं उस पर जो टैक्स कैलकुलेशन होता है, और अगर हम उस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट को फिर से री इन्वेस्ट कर देते हैं प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो वो टैक्स फ्री हो जाता था। लेकिन उसका एक लिमिट है 10 करोड़ तक का, जो मैं बता रहा हूँ बहुत सुनिएगा, उसका लिमिट है री इन्वेस्टमेंट करने का, जो लिमिट है वो 10 करोड़ का है। तो सपोज दैट अब किसी ने 20 करोड़ का प्रॉपर्टी सेल किया, ठीक है, और उसका प्रॉफिट 15 करोड़ हो रहा है, तो उसको अब क्या है कि अगर वो री इन्वेस्टमेंट ही करेगा प्रॉपर्टी में तो 10 करोड़ ही कर सकता है, उसको अभी जो है 5 करोड़ में टैक्स देना पड़ेगा 12.5% हिसाब से, जबकि अगर इंजेक्शन होता तो उसको शायद वो 0 हो जाता, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है बड़े प्रॉपर्टी, मतलब बड़े एसेट सेल करने पे, छोटे वाले पे। लेकिन एवरेज अगर मैं समझना चाहूं, लक्ष्मण जी, एवरेज अगर मैं समझना चाहूं मिडिल क्लास बायर के जरिए, लोग 30 लाख 35 लाख 50 लाख 60 लाख यहां तक के घर खरीदते हैं मिडिल क्लास के, सैलरी क्लास के लोग ज्यादातर, उनकी कोशिश होती है अगर पहला घर ले भी रहे हैं तो, मान लीजिए घर खरीदा 5 साल के बाद 10 साल के बाद वो बेच रहे हैं, तो उस पर किस तरीके से कैलकुलेशन, उस पर उनको टैक्स क्या बचत होगी 12.5% के हिसाब से, या उनको ज्यादा देना पड़ेगा? नहीं, उसको कुछ तो कुछ बचत ही होगी, उसको ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। उनको मतलब ये यहाँ पर जो छोटे, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एक लिमिट तक जो लोग घर लेने वाले हैं उनके लिए ये शायद थोड़ा फायदेमंद हो जाएगा ये। हाँ हाँ, ये फायदेमंद ही होगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता था, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया कि अगर आपने 2001 में 1 लाख में खरीदा तो उसकी वैल्यू आज के डेट में 3,48,000 एज पर इनकम टैक्स रूल के हिसाब से है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। आपके 6.5 लाख का प्रॉफिट तब भी हो रहा है, और 6.5 लाख अगर हम पहले टैक्स कैलकुलेशन करें तो मैंने बन रहा है 1,30,000 रुपया, और अभी के हिसाब से अगर हम 9 लाख भी करते हैं 9 लाख भी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो वो बनता है 1,12,500, मतलब 17,900 का तभी फायदा है, ठीक है। तो छोटे इन्वेस्टर को, छोटे जो जी, उसको फायदा मिलेगा, ठीक है। एक बात और, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे आपने बहुत सारी पेनल्टीज का भी जिक्र किया था, खास करके सैलरी क्लास के लोगों पर, तो वो किस तरीके से इंपैक्ट कर रही है? अरे वो बड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, ये जो सैलरी जो पेनल्टी है ना, ये आप इसको बोल सकते हैं कि ये सरकार पेनल्टी से भी कुछ कमाने की सोच रही है। आप सोचो, मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, तो बड़ा जिसपे चर्चा नहीं होती, बहुत कम चर्चा होती है। 2022 में एक नोटिफिकेशन आया, ठीक है, इसका डेट बता देता हूँ, जस्ट एक मिनट, ये था 29/4/2022 को, ठीक है।
पहले क्या होता था कि हम लोग जब सैलरी क्लास या कोई भी पर्सन अपना टैक्स फाइल जो है रिटर्न फाइल वो लेट फीस के साथ 2 साल तक कर सकते थे, मतलब अगले 2 साल तक। जैसे अभी 24-25 चल रहा है तो हम उसको 31 मार्च 2026 तक फाइल कर सकते थे, इतना फ्लेक्सिबिलिटी थी। इस बार क्या हुआ, कुछ दिन पहले इस सरकार ने उसको कम करके पहले 1 साल किया कि आप 1 साल के अंदर ही फाइल कर सकती हैं। फिर क्या हुआ, उसको कम करके अब 31 दिसंबर तक है। अभी आपका जो है लेट फीस के साथ भी जो भी करना है, अगर आपको रिटर्न फाइल करना है तो 31 दिसंबर से पहले फाइल कर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन समाप्त है, आप पेनल्टी के साथ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और एक आपने जो जो जैसे मिस किया तो आपके ऊपर 5,000 की पेनल्टी वो अप्लीकेबल है, एक तो ये है। दूसरा क्या है कि अगर आप 31 दिसंबर बाद फाइल करते हैं तो इसके बाद क्या हल्ला होगा कि नहीं भाई जिसका छूट गया कैसे फाइल होगा। 29/4/2022 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और एक फॉर्म अपडेट हुआ, उसका नाम रखा गया ITR अपडेटेड, मतलब ITRU, ठीक है। अब उसका रूल बताता हूँ थोड़ा सा क्या है उसमें, कि उसको फाइल करने के लिए आपको क्या है कि एक तो फर्स्ट जो रूल है कि आपको टैक्स देना कंपलसरी है, मतलब आपका टैक्स बनना चाहिए और आपका जितना भी टैक्स बनेगा उसमें 25% पेनल्टी के साथ आप फाइल कर सकते हैं 1 साल के अंदर, और 50% पेनल्टी के साथ फाइल कर सकते 2 साल के अंदर, ठीक है। यहां तक ठीक है, लेकिन अगर आपको रिफंड लेना है तो आप फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। या आपको अगर जीरो का फाइल करना है कंप्लाइंस पूरा करने के लिए तो आप फाइल नहीं कर सकते, ओके, ठीक है। तो ये जो रूल है ना, मतलब आपको सरकार को लेना है तब तो आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ लेना है तो आप फाइल नहीं कर सकते पेनल्टी के बाद, ठीक है। उसी तरह क्या है कि सभी चीज में पेनल्टी बढ़ा दिया गया है। एक तो सैलरी क्लास का बता दिया कि जैसे ड्यू डेट समाप्त होता है और आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर 5,000 की पेनल्टी फिक्स हो जाती है, ठीक है। जिस वजह से मतलब जैसे मान लीजिए 31 जुलाई के बाद मैं जाता हूँ जमा करने या उसको फाइल करने तो मुझे 5,000 रुपए देना पड़ेगा, दिसंबर के बाद जाता हूँ तो मुझे 25% देना पड़ेगा। नहीं, 25% तब जब आपको कुछ टैक्स जमा करना है, ठीक है ना, मतलब आपका जो टैक्स कट गया है उसी पे नहीं, एडिशनल कुछ देना पड़ेगा आपको। सब होता है आपका सैलरी पे सब कुछ कट गया है और आप चाहते कि 5,000 लेके फाइल कर ले, आप नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब कुल मिला के मिडिल क्लास को हर तरफ से देना है, कमाई करे उस पर भी टैक्स दे और उस टैक्स को भरने के लिए भी वो टैक्स देता रहे। अरे सर मैं दूसरा और एक बता दूं, नोटिफिकेशन का मैंने क्या बताया, बजट में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें चर्चा होती रहती है बजट पे, हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, उससे ज्यादा खतरनाक होता है बाद के नोटिफिकेशन। एक तो मैंने अभी बता दिया जो क्या था कि आप रिफंड नहीं ले सकते हैं, क्लोज कर दिया। दूसरा क्या है कि एक मैं GST के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इस बार बजट में मैम ने GST के बारे में कुछ बताना शुरू किया, कुछ बताने क्या उन्होंने रोक दिया, उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। GST में क्या था, जब GST आई थी 2017 में तो उस टाइम बताया गया था कि जब तक आपका जो GST का पोर्टल है अपडेट नहीं होता है, मतलब कंप्लीट नहीं होता है, आपको क्या करना है, एक टेम्पोररी फॉर्म निकाला गया GST 3B, ठीक है। बोला गया कि आप टेम्पोररी इसको भरिए, जो टैक्स लाइबिलिटी आप जमा कीजिए, जब ओरिजिनल फॉर्म GST 3 आएगी तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ आप इसमें अगर कुछ चेंज करना है या कुछ भी आपको लगता है कि करेक्ट करना है तो कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने 2000 GST 3 भी लॉन्च ही नहीं किया, मतलब जो पोर्टल है उसको कंप्लीट नहीं हो पाया नेक्स्ट 2 ईयर्स तक। और गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 3B लेट पे ही जो है लेट फाइन और ये सब लगाना शुरू कर दिया। 2019 में एक जजमेंट आ गया हाई कोर्ट का कि भाई आप जब तक ओरिजिनल फॉर्म ही नहीं लॉन्च किए हो, टेम्पोररी फॉर्म पे आपने पेनल्टी कैसे लगाया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया इससे बचने के लिए कि पेनल्टी वेव ऑफ ना हो जाए, 2020 में एक नोटिफिकेशन निकाला, ठीक है, कि आपका ये जो 3B है वही अब ओरिजिनल फॉर्म माना जाएगा, ठीक है। मतलब वो 2017 से जो 3B आपने फाइल किया है उसी को ओरिजिनल फॉर्म कर दिया, हाँ वही परमानेंट फॉर्म हो गया, जैसे 3 को जो है एवेंजी कर दिया, मतलब अब लाना ही नहीं है। अब इस चक्कर में हुआ क्या, अभी जो आप देखे होंगे अभी पिछले मंथ में जो मैम ने निर्मला रमन ने जो अनाउंसमेंट किया था कि हम पेनल्टी 2017, 2018 और 2019 का पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ कर रहे हैं, वो क्यों करना पड़ा, वो इसलिए करना पड़ा कि यहाँ पे जो है 80% टैक्स पेयर का नोटिस आ गया और उसके ऊपर डिमांड आ गया कि आपका ये जो इनपुट मिसमैच है, ये मिसमैच है, वो मिसमैच है। इस चक्कर में मैं बता रहा हूँ, जिसका टैक्स बन रहा था 1500 रुपया, जबकि वो किसी टैक्स में जमा कर चुका था, उसका पेनल्टी 25,000 रुपया बन रहा था, इंटरेस्ट 50,000 बन रहा था, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम थी ना,
उस चक्कर में क्या हुआ कि इसको ये हटाना पड़ा, लेकिन अभी भी वो कंप्लीट नहीं है, अभी भी टैक्स को हटाया नहीं, उसको ठीक नहीं किया गया, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो पेनल्टी, इस पे पेनल्टी बहुत फोकस है सरकार का कि किसी तरह पेनल्टी से ही रेवेन्यू कमाया जाए, ठीक है। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि हम मिडिल क्लास की बात कर रहे थे और जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे मिडिल क्लास व्यापारी भी हैं जो जीएसटी के जरिए टैक्स भरते हैं, और लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये जो पूरा कैपिटल गेन टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, इसको लेकर जो तमाम बातें हो रही हैं, क्या फायदा क्या नुकसान, वो हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, और आपको भी उम्मीद है जो आपके मन में सवाल होंगे वो जरूर सॉल्व हुए होंगे जी। एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो पेनल्टी की चल रही बात, सरकार क्या बोलती है कि मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ और बेरोजगारी पे बहुत चर्चा होती है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जिसको जॉब नहीं मिलता है छोटे छोटे बिजनेस शुरू करते हैं, एक छोटा प्राइवेट लिमिटेड बना लिया। अब एक रूल मैं बता रहा हूँ, सुनिए, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं आप 10,000 से प्रोजेक्ट कैपिटल से प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंप्लाइंस पूरा नहीं किया एक साल दो साल तक, तो आपके ऊपर 10 लाख तक की पेनल्टी हो जाती है। अब ये जो सिस्टम है ना, ठीक है, कि आप 10 लाख पेनल्टी भरेंगे या आप बिजनेस चलाएंगे, ये बड़ा खतरनाक है। इस वजह से क्या होती है कि जितनी कंपनी बनती है कंप्लायंस इतना स्ट्रिक्ट है कि उसकी वजह से 80% कंपनियां बंद हो जाती है, एक साल दो साल तीन साल चार साल के अंदर कंपनियां बंद हो जाती है। और उस चक्कर में बंद तो हो ही जाती है, साथ में उसके डायरेक्टर होते हैं वो भी बैन हो जाते हैं 5 साल के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें है ना, थोड़ा सा मतलब क्या करते हैं इसको, ओवर वेटेड हो गया है कि भैया इतने तो मुझे एक चीज आप जल्दी से बता दीजिए। तो ऐसे में अगर कोई बेरोजगार युवा है, एक दो युवा है, वो मिलकर कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उन्होंने शुरू किया, कम बजट है, कम पूंजी है, उससे शुरू किया, लेकिन अगर टेक्निकल चीजों में वो फंस गए तो मतलब उनका व्यापार भी ठप हो गया और वो 5 साल के लिए बैन भी हो गए। देखिए सर, इस सरकार का मानना है कि आप व्यापार करें ना करें, आप कंप्लायंस पूरा करें, फॉर्मेलिटी पूरा करें, टेक्निकल चीज पूरा होना चाहिए। आप 10,000 से कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन आपको एक सीए एक सीएस दोनों हायर करना पड़ेगा कंप्लायंस पूरा करने के लिए, क्योंकि एक सीए भी पूरा आपका कंप्लायंस पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हालत है, तो ये चीजें है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। बिजनेस स्टार्टअप पे बहुत फोकस किया जा रहा है, ठीक है, हम लोग आत्मनिर्भर पर पूरा फोकस कर रहे हैं, लेकिन मुझे मुझे लगता है कि सरकार ने सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाया है और सबको किसी को तो बना नहीं सकती, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड कंप्लायंसेज हैं जिसपे आप छोटे मोटे बिजनेस तो नहीं हो सकता है, ठीक है, बड़ा चैलेंजिंग हो गया। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं और जाहिर सी बात है ये चीजें समझना बहुत जरूरी था और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया लक्ष्मण जी, और उम्मीद है कि तमाम बातें जो हमारे दर्शक जो इस तरह की चीजों में फंस जाते हैं कई बार, उनके समझ में आएंगी और शायद उनको भी इससे निकलने का रास्ता मिलेगा। बहुत धन्यवाद आपका amarujala.com पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए आप भी amarujala.com पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।